हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू न्यू यूट्यूब वीडियो। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग ग्रेट। इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू अनदर लेटेस्ट क्यू का टॉपिक, डिस्क्राइब समथिंग यू टॉक टू योर फ्रेंड और रिलेटिव। यानी कि आपको कुछ ऐसी बात के बारे में बताना है जो आपने अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को सिखाया हो, और वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी बारे में हो सकता है, चाहे नई टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे उनके किसी प्रोफेशनल काम को लेकर आपने उन्हें कुछ टीच किया हो, तो उसके बारे में भी आप बोल सकते हो। एंड इसके जो बुलेट्स हैं वो है, यू शुड से What you taught him or her, आपने क्या सिखाया, when was it, ये कब हुआ, how long was it for, and explain how you felt about it. So आज इसका हम sample answer आपके साथ discuss करेंगे, share करेंगे with explanation. So end में आपसे एक ही request है कि अगर आप channel पर first time visit कर रहे हो, then please channel को subscribe कर दो और bell icon को press कर दो, क्योंकि इस channel पर आपको latest videos daily मिलेंगी और उसके साथ साथ important information भी मिलती रहेगी। So चलिए without wasting any further time, let's get started with the sample answer of this cue card. Sure, I can describe something I taught to a friend. Recently, I taught my friend how to start a blog and optimize it for search engines. कहते श्योर कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैंने अपने फ्रेंड को क्या सिखाया। मैंने अपने फ्रेंड को रिसेंटली सिखाया कि किस तरह से ब्लॉग को स्टार्ट किया जाता है और किस तरह उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, यानी कि किस तरह से एक ब्लॉग जो हम वेबसाइट्स देखते हैं उसे बनाना है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि किस तरह उसे सर्च में लेकर आना है। ही हैड बीन इंटरेस्टेड इन ब्लॉगिंग for a while, but he did not know where to start, and so I decided to help him out. कहते वो बहुत टाइम से इंटरेस्टेड था ब्लॉगिंग को लेकर, यानी कि वेबसाइट वो बनाना चाहता था पिछले कुछ समय से, बट उसे ये नहीं पता था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी हेल्प करूँगा या करूँगी। First, I explained to him the basic of blogging, such as choosing a niche, selecting a platform, and creating content. सबसे पहले मैंने उसे basics clear किए blogging के, जैसे कोई niche choose करना, यानी कि कोई एक particular आप keyword pick कर रहे हो जिस पर आप website बनाओगे। Then एक platform की, किस platform पर आप उस website को run करना चाहते हो, और content यानी कि क्या information आप अपनी website में दोगे। We talked about different blogging platforms such as WordPress, Blogger, Wix, and I showed him the feature and benefit of each one. हमने बहुत से platforms देखे जैसे WordPress, Blogger, and हमने उसके features भी देखे, उनके benefits भी देखे. We ultimately decided to go with WordPress because it is a user friendly and has many SEO plugins. कहते हैं end of the day कि हमने क्या decide किया कि हम WordPress के साथ जाएंगे क्योंकि वो user friendly है, और इसके साथ साथ उसके पास बहुत से SEO टूल्स भी हैं, प्लगइन भी हैं, यानी कि वो प्लगइन आपको हेल्प करेंगे आपकी वेबसाइट को रैंक करने में, सर्चिंग में आने में। नेक्स्ट आई शोड हिम हाउ टू सेट अप अ वर्डप्रेस ब्लॉग एंड चूज अ डोमेन नेम एंड होस्टिंग। उसके बाद मैंने उसे दिखाया कि किस तरह से वर्डप्रेस पर हम ब्लॉग को सेटअप करते हैं, किस तरह से डोमेन नेम चूज किया जाता है, किस तरह से उस वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। We then worked on designing the blog, selecting a theme, creating some initial content. उसके बाद हमने क्या किया, डिज़ाइन की हमारी वेबसाइट, एक थीम चूज़ किया कि किस थीम पर हम जो है उसको सेट करेंगे, और जो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में जो हमें कंटेंट लिखना था वो हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। I explained to him the importance of creating high quality engaging content to attract readers and keep them coming back. और मैंने उसे explain किया कि क्या important होती है high quality content देने की, किस तरह से आपको अपने readers को attract करना है, engage करके रखना है, और ताकि वो आपकी website पर बार बार आए। After that, we focused on optimization, optimizing the blog for search engine. उसके बाद हमने optimizing पर focus करना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी website को ranking में लाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। I explained to him the importance of SEO in driving traffic to the blogs and how it can help improve its visibility in search engine results. उसके बाद मैंने उसे SEO के बारे में बताया कि किस तरह से वो ट्रैफिक को इंक्रीज करता है, किस तरह से वो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आता है, यानी कि यूज़र लेकर आता है। यहाँ पर ट्रैफिक का मतलब
रोड ट्रैफिक से नहीं है, ट्रैफिक का मतलब जो आप डेली यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ रहा है उससे है, और किस तरह से उसकी विजिबिलिटी जो है सर्चिंग में इम्प्रूव होती है। वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट SEO स्ट्रेटजीज सच एज कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, लिंक बिल्डिंग एंड सोशल मीडिया प्रमोशन। हमने बहुत से SEO स्ट्रेटजीज के बारे में बात करनी स्टार्ट की और बात भी की, जैसे कि किस तरह से कीवर्ड रिसर्च हो, यानी कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा रैंक होगा, ऑन पेज SEO कैसे होगा, ऑन पेज लिंक बिल्डिंग किस तरह से होगी, और सोशल मीडिया पे हम वायरल किस तरह से हो सकते हैं। आई शोड हिम हाउ टू यूज SEO टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, गूगल कंसोल एंड यूज्ड SEO टू मोनिटर एंड इम्प्रूव द ब्लॉग्स परफॉर्मेंस। उसके बाद मैंने उसे दिखाया कि किस तरह से SEO टूल्स जो है वो वर्क करते हैं। एनालिटिक्स में आप किस तरह अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो कि क्या उसका स्टेटस है, कितने लोग वहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह का आपका यूज़र है, तो उस तरह से ये सारी आपकी ब्लॉग की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते थे। और किस तरह मैंने उसे दिखाया कि किस तरह आप उसे जज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। वी ऑप्टिमाइज द ब्लॉग्स मेटाडाटा क्रिएटिंग कीवर्ड रिच कंटेंट एंड बिल्ड लिंकिंग फ्रॉम हाई क्वालिटी सोर्सेज। हमने उसके बाद क्या किया, ब्लॉग्स के थ्रू जो है हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना शुरू किया, बैकलिंक्स जो है वो हमने बनाने शुरू किए। Overall, teaching my friends how to start a blog and optimize it for search engine was a fun and rewarding experience. कहते overall अगर मेरा experience पूछा जाए, मेरे फ्रेंड को ये सिखाना कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है और उसे सर्च इंजन में कैसे लेकर आना है, मेरे लिए एक फ़न और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वॉज ग्रेट टू बी एबल टू शेयर माई नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज विद हिम एंड हेल्प हिम परस्यू हिज पैशन फॉर ब्लॉगिंग। और ये मेरे लिए ग्रेट था कि मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज जो है उसके साथ शेयर कर पाया या कर पाई, और ताकि उसे हेल्प हो सके, जो उसका पैशन था, जो उसका जुनून था ब्लॉगिंग को लेकर, वो उसे पूरा हो सके। I felt satisfied seeing him learn and grow as a vlogger. मैं अपने आप को satisfied यानी कि बहुत इस बात से मुझे खुशी है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ ये देखकर कि वो सीख रहा है और वो ग्रो कर रहा है एज अ ब्लॉगर। एंड आई होप दैट ही कंटिन्यू टू ग्रो एंड ही कंटिन्यू टू क्रिएट ग्रेट कंटेंट एंड बिल्ड अ सक्सेसफुल ब्लॉगर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको आइडिया अच्छा लगा होगा, ये यूनिक आइडिया है। सो आप भी इस तरह से यूनिक आइडिया को ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेमोराइज आंसर वहाँ पर सुनाते हो तो आपको बैंड स्कोर उतना नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज यही करा करो, जिसके बारे में आपको नॉलेज है आप उसी के ऊपर जो है टॉपिक लिखो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो फॉर मोर अपडेशन। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।